पापा वो 2000 रुपये चाहिए थे, देना जरा थोड़ा काम था। क्या 2000? लेकिन क्यों? अरे वो कॉलेज की फीस सबमिट करनी थी ना। अरे भाई अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारी फीस जमा करवाई है। अरे बढ़ गई है ना फीस, और वो एग्जाम भी आ रहे हैं, तो सर ने बोला है कि गाइड बुक भी लेनी है, इसलिए पैसे चाहिए थे। अरे भाई ये तुम्हारे कॉलेज वाले भी हर थोड़े दिन बाद फीस बढ़ा देते हैं क्या? अच्छा ये कब मतलब अभी चाहिए क्या? हाँ अभी चाहिए, और जल्दी करो मुझे सबमिट करने भी जाना है। दे रहा हूँ भाई दे रहा हूँ। अच्छा सुन, तू अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा, ठीक से पढ़ाई कर, समझ गया? हाँ अरे ढंग से पढ़ूंगा मैं, चलो मैं जमा करवा के आता हूँ, ठीक है? हाँ सुनिए मैं भी चलती हूँ, खाना रख दिया, टाइम से खा लेना। हाँ ठीक है। पार्थ कहीं जा रहा है बेटा? हाँ माँ वो राहुल कहाँ जा रहा था, नोट्स वगैरह लेने थे कुछ। सुन तेरे पापा बता रहे थे तेरे कॉलेज की फीस बढ़ गई है, तब तो तेरे खर्चे भी बढ़ गए होंगे। हाँ माँ और क्या, तुझे 1000 रुपये कमाने हैं। हाँ कैसे, क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस अपनी रेड़ी पर 1 घंटे तक खड़े होकर फल बेचने, आवाज लगा कर। अगर मैं 1 घंटे तक ये करूँगा तो आप मुझे 1000 रुपये दे दोगे? हाँ वो क्या है ना, तेरे पापा मंडी गए हैं फल लेने, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास जा रही थी, अब इतनी देर तक रेड़ी को खाली नहीं छोड़ सकते ना, तो बस 1 घंटे तू इसे संभाल ले, तेरे भी कुछ पैसे बन जाएंगे। हाँ कर लूंगा बिल्कुल, ठीक है चल। सौ रुपए किलो सेब, ताजे अंगूर भैया, ताजे अंगूर ले लीजिए। 40 के बारह केले। अंकल जी आइए आइए, ताजे अंगूर ले लीजिए एक बार। अरे एकदम फ्रेश है, फ्रेश है, आइए। 100 रुपए किलो सेब, 100 रुपए किलो सेब, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। पार्थ क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? माँ मेरे से नहीं हो रहा अब ये, सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, इतनी आवाज़ें लगा रहा हूँ, एक तो कोई आता नहीं है, और कोई आता भी है तो इतना मोल भाव करता है कि बस मेरा हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा अब। और ये बस 1 घंटे में तेरा ये हाल हो गया, और सोच तेरे पापा सुबह से शाम तक आवाज़ें लगाते हैं लोगों को, धूप गर्मी बारिश हर मौसम में रेडी पर खड़े रहते हैं, तब कहीं जाकर हमारा घर चलता है, और तूने कितनी आसानी से झूठ बोलकर उनसे 2000 रुपये ले ली। आपको कैसे पता? मैंने उस दिन तुझे तेरे दोस्त से बातें करते हुए सुन लिया था। भाई हो गया पैसों का जुगाड़, आज शाम को मिलते हैं और जम के पार्टी करते हैं, लेट मत करियो। ठीक है चल शाम को मिलते हैं। अरे तुझे तेरे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुझे पैसे चाहिए तो मांग लेता, हमें तुझे पैसे देने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर ये तो ठीक बात नहीं है ना पार। माँ वो अरे भाई क्या बात चल रही है माँ बेटे में? पार्थ सब ठीक है ना? पापा वो मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत बार झूठ बोल बोल के पैसे ले गया। क्या? हाँ पापा मेरी कोई फीस नहीं पड़ी है, और ना ही मुझे कोई गाइड बुक लेनी थी, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी, इसलिए मैं आपसे झूठ बोल के 2000 रुपये ले गया। पार्थ मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है बेटा कि तुम मुझसे झूठ बोल बोल कर पैसे लेते हो, बल्कि इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली, सच बोला। तो आप मेरे से गुस्सा नहीं हो? अरे नहीं बेटा मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ।